गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स, आज मैं आप सभी को एक कविता सिखाऊंगी। कविता का नाम है मोर। पता है बच्चों, मोर कहाँ रहता है? मोर जंगल में रहता है। ये देखो, यह है मोर। और मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी भी है। बरसात होती है ना, तब अपने पंख फैलाकर नाचता है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर छतरी के जैसे अपने पंख फैलाकर, बहुत सुंदर सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। मोर सब कुछ खाता है, जैसे पत्ते, चने, कीड़े, घास, सब कुछ खा लेता है। मोर बहुत सुंदर लगता है। ठीक है बच्चों, मैं मोर की कविता सिखाती हूँ। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। बारिश में यह झूम के नाचे। बारिश में यह झूम के नाचे। बारिश में यह झूम के नाचे। छतरी जैसे पंख फैला के। छतरी जैसे पंख फैला के। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। पूंछ रंगीली। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। बारिश में यह झूम के नाचे। बारिश में यह झूम के नाचे। बारिश में यह झूम के नाचे। छतरी जैसे पंख फैला के। छतरी जैसे पंख फैला के। फिर से पढ़ते हैं। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। मोर अनोखा सुंदर पक्षी। पूंछ रंगीली, सिर पर कलगी। बारिश में यह झूम के नाचे। बारिश में यह झूम के नाचे। छतरी जैसे पंख फैला के। तो बताओ बच्चों, मोर के सिर पर क्या होता है? कलगी। और मोर एक बहुत
सुंदर पक्षी है। मोर कब नाचता है? बरसात के दिन में, जब बारिश होती है और यह अपने पंखों को कैसे फैलाता है? छतरी जैसे। मोर अपने पंख कैसे फैलाता है? छतरी जैसे। ठीक है बच्चों, आप इसका घर में अभ्यास कीजिए। अब पिछले वीडियो का फिर से अभ्यास करते हैं। पिछले वीडियो में कौन सी कविता पढ़ाई थी? चुहिया रानी। चुहिया रानी दौड़ी भागी, चुहिया रानी दौड़ी भागी, इधर उधर वह छिपती जाती। चुहिया रानी दौड़ी भागी, चुहिया रानी दौड़ी भागी, इधर उधर वह छिपती जाती। चुहिया रानी दौड़ी भागी, रानी दौड़ी भागी, इधर उधर वह छिपती जाती। बिल्ली मौसी ताक लगाए, बिल्ली मौसी ताक लगाए, पर चुहिया को पकड़ न पाए, पर चुहिया को पकड़ न पाए। चुहिया रानी दौड़ी भागी, चुहिया रानी दौड़ी भागी, इधर उधर वह छिपती जाती। चुहिया रानी दौड़ी भागी, इधर उधर वह छिपती जाती। बिल्ली मौसी ताक लगाए, बिल्ली मौसी ताक लगाए, पर चुहिया को पकड़ न पाए। बताओ बच्चों, चुहिया क्या कर रही है? दौड़ा भागी। और वह क्यों छिप रही है? क्योंकि बिल्ली उसको पकड़ने की ताक लगाए है कि जैसे ही चुहिया आएगी और मैं उसको पकड़ लूंगी। फिर से कविता पढ़ते हैं। चुहिया रानी दौड़ी भागी, रानी दौड़ी भागी, चुहिया रानी दौड़ी भागी, इधर उधर वह छिपती जाती। चुहिया रानी दौड़ी भागी, इधर उधर वह छिपती जाती। चुहिया रानी दौड़ी भागी, इधर उधर वह छिपती जाती। बिल्ली मौसी ताक लगा, बिल्ली मौसी ताक लगाए, पर चुहिया को पकड़ न पाए। बिल्ली मौसी ताक लगाए, पर चुहिया को पकड़ न पाए। ठीक है बच्चों, आप इसका घर में अभ्यास कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।